कंस चाव से अपनी चचेरी भगनी के विवाह में व्यस्त है, जो मूड है जड़ था, जिसने अपने माता पिता को कारागृह में डाल रखा था, लेकिन भगनी के लिए प्राण देने को तैयार है, इतना प्रेम करता था अपनी बहन से, बहन देवकी से इतना अनुराग उस दुष्ट कंस का। वंदरमार, तोरण द्वार, मंगल कलश, विविध पकवान व्यंजन और आदेश है चाडूर मुष्टिक कूटशल तोशल के लिए, कि जो सुंदर है सब बांधो मेरी भगनी के लिए, रत्नों की पोटलियां फिर से लूट लेंगे, फिर से युद्ध करके बाहुबल से पूरी धरती के सुंदर पदार्थों को छीन लेंगे राजाओं से, लेकिन बांधो सब बहन के लिए। और न केवल पोटलियों में रत्न जाएंगे, सुंदर आभूषण जाएंगे, अच्छे वस्त्र, सुंदर गौवें जाएंगी, दास जाएंगे, दासियां जाएंगे, मथुरा में जितने अच्छे नर्तक हैं, विदूषक हैं, अल्पना जिन्हें करनी आती है, जिन्हें माड़ने माड़ने आते हैं, ये मालवी शब्द है माड़ना, भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग जिनको करनी आती है, सब जाएंगे मेरी बहन के साथ दहेज में, वॉल पेंटर्स, डांसर्स, विदूषक। मेरी बहन दुखी होगी तो इसे हंसाएगा कौन? जब मेरी भगनी व्यथित होगी, मेरी भगनी को दुख होगा, इसका मुख म्लान होगा, इसे कौन हंसाएगा? विदूषकों को भेजो, नर्तक जाएंगे, नर्तकियां जाएंगी, सुंदर दासियां जाएंगी, अच्छे कवियों को भेजो, चित्रकार जाएंगे सब, मल्लों को भेजो, कुछ 200-400 मल्ल जाए मेरी बहन की रक्षा के लिए, अच्छे योद्धा, जीवन भर वो दास बनकर रहेंगे देवकी के, सब देवकी के साथ जाएंगे, मेरा राज्य कोष खाली कर दो, इतना औदार्य देवकी के लिए। ये महादेवियां कंस को देखना भी नहीं चाहती, ये तो आकुल व्याकुल हैं, ये तो उतावली बैठी हैं देवकी के दर्शन करने के लिए, कि हमारे स्वामी जिसकी कोख से प्रकट होने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं, जरा देखे तो सही, ये देवकी है क्या, ये क्या है देवकी? लक्ष्मी निहारना चाहती हैं देवकी को, पार्वती आशीष की झड़ी लगा दी पार्वती ने, ब्रह्मणी मनीमन कितने आशीष दे रही है कि धन्य है ये ठाकुर की मां बनेगी, ये देवकी, इसका तप तो देखो, सुतपा, पूर्व काल में देवकी का नाम सुतपा था, ये अदिति थी, इन्होंने ही तो इंद्र आदि को पैदा किया है, ये प्रश्न गर्भ की मां है। जब ऋषियों की शंकाएं मिट नहीं रही थी, तब प्रश्न गर्भ बनकर भगवान प्रकट हुए, और देवकी के गर्भ से ही तो परमात्मा आया। लक्ष्मी सकुचाते हुए पार्वती से कहती हैं, इस देवकी को अनेक बार देवता प्रकट करने का अभ्यास है, विष्णु भी इसी की कोख से बार बार आते हैं, कौन नई बात है? ऐसे तो इतना तप देवकी का। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम। जो देवकी का परम आनंद है वो है कृष्ण। देखे तो सही देवकी है क्या।